फूलों जैसी लबों पर हंसी हो, जीवन में आपके कोई ना बेबसी हो। ले आए हम प्यारा सा गुलाब आपके लिए, बस इस गुलाब जैसी प्यारी आपकी जिंदगी हो। रिश्तों से बड़ी चाहत क्या होगी, दोस्ती से बड़ी इबादत क्या होगी। जिसे दोस्त मिल जाए आप जैसा, उसे जिंदगी से शिकायत क्या होगी। हैप्पी रोस्टे। नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपने चैनल का व्लॉग नंबर 2। इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक से एक बढ़िया फ्लावर, बहुत तरह के रोजेस, देसी भी और विदेशी भी, दोनों को आपके लिए मैं दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कुछ अतरंगी और बढ़िया फ्लावर्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला हमारा जो रोज़ प्लांट है वो रेड कलर के रोज़ेस आपको दिख रहे होंगे। ये इसका जो कॉर्टेक्स है वो देसी है और इसके ऊपर की जो बड्स हैं वो इंग्लिश रोज़ की हैं। तो इन शॉर्ट हम इसे वैसे तो इंग्लिश रोज़ ही बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के फ्लावर्स में हैं। और हमारे पास बहुत सारे कलर्स के और तरह तरह के और कुछ ज़्यादा खुशबू वाले, कुछ कम खुशबू वाले, हर तरह के रोज़ प्लांट्स लगभग हमने मेंटेन। अगर हम पीछे वाले प्लांट में जाते हैं तो आप ये देख रहे होंगे ये भी बेबी प्लांट है, इसमें ज़्यादा अच्छा फ्लावर अभी ब्लूम नहीं करा। इसका नाम मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसका नाम एडी मिचेल है। और इसमें मल्टी कलर लीव्स आती हैं, जैसे नीचे की लीव कुछ और कलर की हैं, ऊपर की कुछ और कलर की हैं और बहुत सुंदर लगता है जब ये एडल्ट होके अच्छे से फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। ऑलमोस्ट अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के फ्लावर्स हैं। और हाँ, ये तीन फ्लावर्स एडी मिचेल हैं जो आप यहाँ पे तीनों रखे हैं, तीनों बेबी प्लांट हैं। अभी सर्दियों में लिए थे मैंने अक्टूबर में। और ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे बेबी प्लांट हैं, देखिए ऑरेंज रेड और थोड़ा येलोइश कलर मिक्स है इसके अंदर और ये बहुत अच्छा दिखता है। अगर आप इस पे भी थोड़ा देखें तो आपको दिखेगा ये बहुत सुंदर दिखता है, येलो कलर भी, येलो कलर भी बहुत अच्छा दिखता है इसके अंदर। इसके आगे फिर से हम चलते हैं। तो अब ये हमारा थोड़ा एक हफ्ते से खिला हुआ था तो अब तो थोड़ा मुरझाने लगा है। इसका 4-5 दिन का खिला हुआ है, इसको आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। ये येलो व्हाइट और पिंक का मिक्सचर है। इसी तरह यहाँ पर
इस प्लांट का नाम है इन द मूड। इसका कलर इतना अच्छा दिखता है शाम के टाइम में कि एकदम दिल को लुभाता है। उसके बाद हमारा अगला आ जाता है, ये ऑरेंज कलर में है। उसके बाद हमारी ये अगली ब्रीड है देसी, देसी गुलाब की। भैया देसी है, देसी ये देसी है। और ये जो आप स्टेम देख रहे हैं मेरे हाथों में, इसमें एकदम बिल्कुल ब्लैक रोज़ निकलता है, इतना गाढ़ा लाल कि वो आपको ब्लैक ही दिखेगा ऑलमोस्ट। अभी वो खिला हुआ नहीं है, अभी हम आपको नहीं दिखा सकते, इसके लिए माफ़ी। देसी वाला ना, ये सब देसी है। और ये जो अब आएंगे, जैसे चार पांच एक साथ खिले हुए हैं, इनको खिले हुए लगभग एक हफ्ता हो चुका है, इसलिए अब ये थोड़ा अपनी लीव्स को और अपनी पेटल्स को शेड कर रहे हैं। तो फिर से शुरू करते हैं। ये हमारे पास रेड कलर की एक और वैरायटी आई है, जो कि एक एडल्ट प्लांट है और अच्छे से ब्लूम करता है। तो आप इसका साइज़ देख ही सकते हैं, लगभग मेरे हाथ जितना है, और ये बहुत अच्छा भी है। और अब हम मूव करते हैं अपने सबसे बेहतरीन, सबसे अलग रोज पर, जिस जो है पिंक येलो कलर का। येलो कलर का, ये प्योर येलो कलर का रोज़ है। और अभी ये बेबी प्लांट तो नहीं बोल सकते इसको, बट अभी एडल्ट भी नहीं हुआ है। जब ये एडल्ट हो जाएगा तो बहुत बड़े बड़े रोजेस को जो है ब्लूम करेगा। ये बोगनवेलिया का बॉन्साई वर्जन है, मैंने खुद बनाया था। और ये ड्यूअल कलर्स में फ्लावर्स निकालता है। ये फूल पहले वाइट कलर के निकलते हैं, फिर धीरे धीरे ये पिंकिश टर्न होने लगते हैं। अभी इसमें ऐसा मैं आपको कहाँ दिखा सकता हूँ, अभी तो इसमें ऐसा कोई एग्जांपल मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, वरना इसमें ऐसा भी होता है कि कोई फ्लावर आपको ऐसा दिखेगा जो आधा वाइट होगा और आधा पिंक होगा। ये देखिए, 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 ये आप ध्यान से देख सकते हैं, ये वाइट खिला था और अब ये धीरे धीरे पिंक में टर्न हो गया है। और यहाँ पर एक और मिला मेरे को, देखिए ये अभी ढंग से टर्न हुआ नहीं है पिंक में। हमारे पास एक और प्लांट आया येलो कलर में, ये इतना ब्राइट येलो नहीं है, जब हमने पहले देखा था वो बहुत ज़्यादा ब्राइट येलो है। हमारे पास जितने भी ऑलमोस्ट फ्लावर्स हैं रोज़ेस के, उनमें एक सबसे ख़ास बात क्या है कि उनकी जो खुशबू है, एक दो फ्लावर्स तो बल्कि ऐसे हैं कि उनकी एकदम मतलब उनकी आप पत्तियाँ तोड़ के खाओगे जो रोज़ की हैं, वो भी आपको मतलब एकदम गुलकंद लगेंगी, इतनी मीठी पत्तियाँ होती हैं। अब आप खुद ही सोच सकते हैं उसमें कितनी अच्छी खुशबू आती होगी। तो आगे बढ़ते हुए एक हमारे पास ये है, इसको भी खिले हुए बहुत दिन हो गए, अब ये मुरझाएगा कुछ दिन में, एक दो दिन और। और ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर है, यहाँ पे एक जस्ट ब्लूम करने वाला है और एक ब्लूम करके जाने वाला है, तो दोनों को आप एक साथ देख सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसकी शेप देखिए ज़रा, एकदम होता है ना जवानी आ रही है सर पे, कुछ वैसा ही हाल है। तो आगे ये आप स्पेशल ओकेजंस पे यूज कर सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। और ये हमारे पास लाइट पिंक में है, इसका कलर है वाइट और लाइट पिंक मिक्स। ये आपको आई थिंक वीडियो में थोड़ा वाइट ही से दिख रहा होगा, लेकिन ये इसका जो एंड पोर्शन होता है, ये देखिए ये ऐसा होता है, और जब ये खिलता है तो इसका जो ये वाला पार्ट होता है अंदर का, ये वाइटिश सा होता है, और लीव्स के एंड में एकदम पिंक होता है, बहुत प्यारा दिखता है। अभी कैमरे में शायद इतना अच्छा नहीं आ रहा होगा। और ये देखिए, ये भी एक स्पेशल एडिशन है, ये दिखने में तो आपको शायद एक ऑर्डिनरी फ्लावर लग रहा होगा, बट इसके अंदर इतनी खुशबू आती है, और इसकी हम पत्ती मतलब अगर ये एक तोड़ के भी अगर हम ऐसे खाएंगे ना, तो एकदम इतनी मीठी लगती है, बिल्कुल जैसे गुलकंद। अब इसके आगे जो हमारा एक स्पेशल फ्लावर्स हैं, वो है ये वाला प्लांट। ये आप छोटे छोटे फ्लावर्स देख रहे हो, इस कैटेगरी को हम बोलते हैं मिनिएचर, या फिर हम इसको फ्लोरी तो नहीं बोल सकते, इस कैटेगरी को फ्लोरी बोलते हैं, जिसमें एक साथ गुच्छे में बहुत सारे आते हैं। खैर ये प्लांट मिक्स है, इसमें मिनी भी आता है और फ्लोरी भी आता है। इसमें क्या खासियत है, ये जब उगता है ना, तो ये एकदम येलो कलर का उगता है, जैसे कि ये, ठीक है। उसके बाद जब ये उग जाता है तो येलो से ये धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है रेड में, जैसे ये थोड़ा थोड़ा रेड में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद ये प्रॉपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। उसके बाद जब ये ढलता है तो वाइट में कन्वर्ट होके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा वाइट में, सारे कलर एक साथ, ये इतने सारे रूप बदलता है अपने। इतना प्यारा प्लांट है कि इसका कोई तोड़ नहीं है, आप देख पा रहे होंगे ये 6-7 फ्लावर्स ही इतने डिफरेंट हैं एक, और जबकि ये एक सेम ही प्लांट है।
इतना इसका मतलब देखने को मिलता है, इतने रंग रूप बदल सकता है अपने। उधर एक छोटी सी झलक देख सकते हैं बोगनवेलिया, क्योंकि हमारा ये सीज़न जो है हमारा स्प्रिंग सीज़न है, और स्प्रिंग सीज़न में जो है बोगनवेलिया हो या कोई भी फ्लावर हो, वो मतलब ये भी एक बहुत सुंदर प्लांट है, और ये ऑरेंज कलर का है और दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और फिर हमारा ये लाइट पिंक कलर में ही दोबारा आ जाता है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फटाफट, तो ये भी एक ऑरेंज कलर में आपको देखने को मिलेगा, बहुत सुंदर देखने में है, डिज़ाइन भी बड़ा अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे सारे में एक प्रॉब्लम होती है, सुबह सुबह जब मैं यहाँ पे आता हूँ और अपने पौधों में पानी देने के लिए आता हूँ, तो इन फ्लावर्स की जो मिठास है, इनके फूलों में जो मिठास है, उनको लेने के लिए इतनी मधुमक्खियाँ यहाँ पर घूमती रहती हैं, फ्लावर्स में बैठी रहती हैं, वो अपना रस पान कर रही होती हैं, और उनसे रस पान ही कहेंगे, और उनसे इतना डर लगता है, पर लिटरली वो कुछ कहती नहीं है, बड़ी शांत स्वभाव की होती है उस टाइम, क्योंकि उनको भी उनका खाना मिल रहा होता है। और एक ये शेड आप देख सकते हैं, ये मल्टी कलर्स में है, ये चितकबरा सा स्टाइल आप देख ही रहे होंगे, ये भी बहुत स्पेशल है। हर एक स्पेशल है भाई, आपके लिए स्पेशल वीडियो अरेंज की गई है, स्पेशल इतने फ्लावर्स। ये भी मतलब एक फ्लावर है, ये खैर अभी क्या है ना, मज़ा नहीं आ रहा इतना सारे फ्लावर्स दिखाने में, क्योंकि अभी गर्मियाँ थोड़ी आनी शुरू हो गई हैं, तो सारे ब्लूम भी नहीं कर रहे, इतना सारे खिल रहे, देखिए कितने पौधे ऐसे ही पड़े हुए हैं जिसमें से आके जा चुके। अच्छा, आप अगर फ्लोरी का मुझसे पूछें तो इसे फ्लोरी बोलते हैं, जिसमें एक साथ ऐसे फ्लावर्स आते हैं, इस कैटेगरी को हम फ्लोरी कैटेगरी बोलते हैं। मिनी बोलते हैं कि वो गुच्छे में ना आए, बट आए बहुत सारे, देखो जैसे वो अभी वहाँ पे उसमें फ्लावर्स मुरझा गए हैं, इस कैटेगरी को फ्लोरी बोलते हैं। जो ये सिंगल ये खिलती है और सिंगल ब्लूम करता है, इसको बोलते हैं HT, इसको HT कैटेगरी बोलते हैं, अगर प्रॉपर रोज़ की कैटेगरीज में जाते हैं तो यही कुछ हमारे थोड़े थोड़े आप मिक्स कलर में ये देख सकते हैं। थोड़ी सी हवा चल रही है, फिर भी आपको शायद क्लियर हो गया होगा, ये एक मिनी कैटेगरी में ही येलो कलर के छोटे छोटे। और इसी के साथ मेरे लगभग रोज़ प्लांट्स तो सारे कवर हो चुके हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मैंने अभी अपना चैनल स्टार्ट किया है। YouTube सिर्फ जस्ट प्रेजेंटिंग के लिए भी नहीं होता, आपको अगर हो सकता है आपको ऐसे ऐसे दोस्त मिले जो आपके आसपास भी ना हो, जो आपको YouTube के माध्यम से मिल सकते हैं, जो प्लांट्स में और फ्लावर्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हो, और वो भी आपको बहुत प्यार दिखा सकते हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, प्लांट्स की केयर भी करें। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और भैया के चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी जाकर एक बार जरूर चेकआउट करना, वहाँ पर आपको ऐसी रेगुलरली वीडियो मिलते रहेंगे। तो थैंक यू गाइज फॉर योर सपोर्ट, आई होप you love my videos. Okay, bye. Thank you for watching. I will see you next time.